हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कू इंटरनेशनल स्कूल गंगापुर सिटी। मैं मैथ्स फैकल्टी। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान बोर्ड के मैथ्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 5, एक्सरसाइज 5.2। तो पांचवें चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है, तो स्टार्ट करते हैं 5.2 की थ्योरी। फर्स्ट टॉपिक, त्रिभुज का क्षेत्रफल। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है ये, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो देखिए क्या है इसमें, क्या गिवन होता है। यदि बिंदु x1, y1, x2, y2, x3, y3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आज अपन सारणिक वाला पढ़ेंगे, सारणिक को सोल्व करना आना चाहिए। आप आता है सबसे पहले। अब देखो, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष, और इधर क्या लगाओगे, 1, 1, 1। तो ये जो फॉर्मूला देख रहे हो आप, ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल, राइट। तीन शीर्ष दे रखे होंगे, इसमें पुट करो, सारणिक को सॉल्व करो। वो दसवीं वाला मेथड नहीं लगाना है, x1, y2 - y3 + y2, y1, y3 - y1 + x2 वाला, ओके। उसको जब इसका एक्सपेंशन करते हैं ना, तो वही टेंथ वाला मेथड आ जाता है, लेकिन अपन इसी तरह से सोल्व करेंगे अब, ओके। इससे रिलेटेड कुछ नोट है, वो देखें। त्रिभुज का क्षेत्रफल सदैव धनात्मक होता है। इससे कहने का मतलब ये है कि मान लो सारणी का मान नेगेटिव आ जाए, नेगेटिव आ सकता है ना, तो अपन क्या कर लेंगे, इसको पॉजिटिव कर लेंगे, और वर्ग इकाई में आंसर देना है अपन, ऑलराइट। आंसर को कभी नेगेटिव नहीं देना है। सेकंड नोट क्या है, यदि क्षेत्रफल दिया हो, ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट, यदि क्षेत्रफल दिया हो तो गणना के लिए उस मान को बोले तो उस क्षेत्रफल को प्लस और माइनस में लिखना है। अगर ऐसा नहीं करोगे तो एक आंसर कम आएगा। तो मतलब क्षेत्रफल दे रखा है तो वो क्या पूछेगा, फिर वो मतलब कोऑर्डिनेट में कोई एक अननोन राशि दे देगा और वो पूछेगा, तो अननोन राशि का मान ज्ञात करना रहेगा, तो इस मान को प्लस माइनस में लिखना है, ऑलराइट। नेक्स्ट, अगर तीन बिंदु संरेखे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जीरो होता है, यहाँ जीरो आ गया, तो ये जीरो में चला गया, अर्थात सारणी का मान जीरो करना है। क्वेश्चन आ जाए, सिद्ध करो कि तीन बिंदु संरेख है, तो अपन क्या करेंगे, उन तीन बिंदु की सारणी बना लेंगे इस तरह से, और उस सारणी का प्रसार करके देखेंगे, सारणी का हल करके देखेंगे, एक्सरसाइज 4.1 की तरह, कि उसका मान जीरो आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो 100% जीरो आ रहा होगा, ऑल राइट। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, ऐसे कहा जाएगा कि सारणी का प्रयोग करते हुए दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। तो अपन को क्या करना है, दो पॉइंट पे ध्यान रखना है बस। एक पॉइंट मान लेना, माना P, उसके निर्देशांक हमेशा कौन सा मानोगे, x, y रेखा पर स्थित है। अब दो बिंदु पहले ही दे रखे थे और एक ये हो गया, तो टोटल कितने बिंदु हो गए, तीन हो गए, और तीनों बिंदु कैसे हैं, संरेखे, संरेखे, तो सारणी का मान जीरो कर लोगे, और जैसे सारणी का मान जीरो करोगे तो आंसर इस रूप में आ जाएगा, मतलब सारणी को सरल करने के बाद आंसर इस रूप में आ जाएगा, ax + by + c = 0। तो कुल मिला के ये चार पॉइंट और एक ये पहला फॉर्मूला, ये ध्यान रखो। तो आपके एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो जाएंगे, ओके। अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आपकी बुक में मिल जाएगा ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करो, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, जबकि शीर्ष k, 4
दो कोमा माइनस छः व पाँच कोमा चार है। तो मैंने क्या कहा था, क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसको प्लस माइनस में लिखोगे और फिर सारणी को मैं ये बिंदु रख दोगे और वो हल कर लोगे, आंसर आ जाएगा। अभी सारणी का प्रसार करना है। ओके, इस सारणी का प्रसार करना है तो इधर कितना हो गया, प्लस माइनस 70 बराबर के। सारणी का प्रसार करना आता है ना, प्लस माइनस प्लस, तो प्लस के साथ आ जाएगा। अब इसको ऐसे गुणा करो, माइनस 6 माइनस 4 माइनस 6, कैसे संबंधित पंक्ति स्तंभ को हटाने के बाद ये बचता है ना, माइनस 6 माइनस 4 राइट, माइनस 10 हो जाएगा। फिर भी ऐसे लिख देते हैं एक बार। अब चार, चार किसके साथ आएगा, प्लस माइनस माइनस के साथ। अब इसको हटाओ, 2 1 5 1, तो 2 माइनस 5, 2 माइनस 5, माइनस आता है इसमें, फिक्स है वो तो माइनस आती है। और ये 1 आएगा प्लस के साथ, 8, 8 प्लस 30। प्लस क्यों हुआ, क्योंकि माइनस 1 पहले से ही आ रहा है, तो 1 माइनस और आता है तो प्लस हो जाएगा। ऑल राइट, सारणी का प्रसार हल करना आता है आपको। -10 के, और ये हो गया 12, और ये हो गया 38, प्लस माइनस 70। ऑल राइट, अब यहाँ पर अपन इसको थोड़ा और लिख देते हैं, कितना हो गया ये 50, 50 और ये प्लस माइनस 70, 10 के, प्लस साइन ले लो, 70 = -10 के प्लस 50, तो ये कितना हो जाएगा 10 के। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये इधर आएगा 20, -2 आ जाएगा। ऑल राइट, अगर माइनस साइन लेते हो तो -70 - 10 के + 50, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये इधर आएगा -120, 120 बटे के की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -12, नहीं माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, +12। ओके, हो गया कंप्लीट। एक नंबर का क्वेश्चन आते ही आता है इस पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में, आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 4 और दे रखा है। हाँ, तो ये क्वेश्चन है, के का मान ज्ञात करो जिसके लिए बिंदु, तीन बिंदु दे रखे हैं, के कोमा 2 - 2 के, -k + 1, 2 के, और -4 - k, 6 - 2 के, संरेखा के। अब तीन बिंदु संरेखा के, तो क्या बोला था, सारणी का मान 0 करना है। सारणी कौन सी थी, ये वाली, इसमें पुट कर लो बिंदु और तीनों को 0 कर लो। राइट, नाउ पुट करेंगे के, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। ये क्या बिंदु दे रखे थे, K 2 - 2 K - K + 1 2 K - 4 - K 6 - 2 K 1 1 1 = 0। K से मल्टीप, अब तो K से प्रसार करना है अब, तो इससे संबंधित पंक्ति स्तंभ को हटा दो, हटा दिया, ये बच रहा है, इसमें 2 × 2 का नियम लगा दो, 2K माइनस आता है तो माइनस वन है ना, माइनस वन हो गया, माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा, यहाँ पर माइनस आता है पता है आपको। ओके, अब इसको हटा दो, प्लस माइनस प्लस आता है ना, प्रथम रो के सापेक्ष कर रहे हैं, इसको हटा दो, ये बच गया, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ऐसे कैसे आ जाएगा, -k + 1, फिर माइनस आता है इससे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया। ऑल राइट, +1, अब 1 को देखो, ये हटा दो तो इसको मल्टीप्लाई करना है, अभी इसको ऐसे कैसे रहने दो, नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, माइनस 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 प्लस हो गया। ऑल राइट, बराबर 0, अब इसका मल्टीप्लाई करो, 2K 2K, 4K 4K × K, 4K² - 6K। ऑल राइट, 2 - 2 के, ये कितना बच रहा है, 5, 5 बच रहा है, 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पर स्टेप नहीं बढ़ा रहे हैं अपन, 5, तो 5 - 10 माइनस माइनस प्लस। ऑल राइट, अब देखो यहाँ पर -k, -6 के, +2K² +6 - 2 के +8 के +2K² = 0। ऑल राइट,
अब देखो के स्क्वायर कितना हो रहे हैं, 4 14, 14 और 4 18 हो रहे हैं, नहीं 4 2 के 2 के 4 18 हो रहे हैं, 18 हो रहे हैं, नहीं, यहाँ के आएगा ना, राइट के आएगा यहाँ पर, वे के ही तो था, तो के स्क्वायर कितने हो गए 8 के स्क्वायर। अब देखो के कितने आ रहे हैं, 6 के माइनस 6 के माइनस 6 के, माइनस 12 और +10, -2 -4 +4 के बच रहा है। आप देख लेना, और कैलकुलेशन है ये, तो 6 -4 बच रहा है। ऑल राइट right? तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, 2k² + k - 1 = 0। फैक्टर कर लें, 2k² + 2k - 1 - k - 1 = 0, 2k k + 1 - 1 k + 1 k + 1 k, 2k - 1, तो k की वैल्यू आ गई -1½। आया समझ में? तो ये दो क्वेश्चन करा दिए मैंने, और बाकी बचे 1 से 6 तक के में आप खुद सॉल्व करें।